मैं हूं संदीप शर्मा, एबीएन न्यूज चैनल की तरफ से आज फिर मकसूदापुर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड चीनी मिल पर आए हैं। यहां पर आज हम देख रहे हैं कि जो मकसूदापुर चीनी मिल का जो गंदा नाला है उसकी खबर एक बार पहले एबीएन न्यूज चैनल पर प्रकाशित की गई थी। आज यहां पर कुछ लोग सफाई कर रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि ये सफाई कब से शुरू है, जानकारी लेते हैं, आइए। प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मकसूदापुर चीनी मिल लगने से आसपास में फैल रही बीमारियों की खबर पर पहुंची एवियन टीम। जब वहां का हाल देखा तो हर तरफ दलदल ही दिखाई दी। इसी को लेकर एवियन ने वहां रह रहे आसपास के लोगों से इलाके के वातावरण और प्रदूषण से पैदा हुए हालात की जानकारी ली। तब सारी परतें खुलने लगी जो कि अभी तक शायद ही किसी न्यूज चैनल ने खोली हूँ। चीनी मिल से निकल रहे नाले पर जब एवियन का कैमरा गया तो देखा कि नाले से निकल रहा दूषित पानी सीधा खनौत नदी में जा रहा था, जिससे न जाने कितनी ही बीमारियां पनप रही हैं। वहीं आसपास के लोगों ने चीनी मिल पर आरोप लगाया कि जब से ये मिल लगी है तब से रोड पर मैली आने से यहाँ पर रोड दलदल में तब्दील हो चुका है। रोड पर दलदल हो जाने से न जाने कितने लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ता है और मिल की चिमनी से निकल रही मोनोकार्बन डाइऑक्साइड से गंभीर बीमारियों ने वातावरण प्रदूषित कर दिया है। इसका असर कितना पड़ रहा है ये जानते हैं यहाँ के लोगों से। कहाँ रहते क्या हैं? नबदिया। अच्छा, जो ये सफाई जो की जा रही है आपकी तरफ से, ये कौन करवा रहा है आप ये सफाई? आचार्य हेड करा दूँ। कहाँ के? शुगर के। ये शुगर मिल कौन सी है? यहाँ के लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि प्रदूषण के फैलने की वजह से टीबी, आंखों की रोशनी जाने जैसी कई बीमारियां लोगों को लग चुकी हैं। क्या कहना है वहाँ के बाशिंदों का जो वहाँ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या कोई परेशानी है आपको? क्या परेशानी है? जो दुकानों माल भर के रखा हुआ था बेकार हो गया। अच्छा, मैली इसका मतलब दुकानों में भी जा रही है? घर से जा रही है। आप अभी तक कोई प्रशासन इस बारे में सुनने नहीं आया? चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? रूप आजम भाई। अच्छा, ये बताइए कि जब से यहाँ पर ये चीनी मिल लगी है मकसूदापुर में, तब से यहाँ पर बीमारियों में कितना इजाफा हुआ? बीमारी ये सोच लीजिए कि मुझे तो यहाँ से जब से बैठा हूँ दिखाई देना बंद हो गया। अच्छा, आपकी निगाह पे क्या असर, निगाह पर भी असर पड़ा या बॉडी के और भी हिस्सों पर इसका असर हुआ? निगाह का भी असर पड़ा है और बॉडी पे भी। जी, क्या नाम है? रूप बाजवा है जी। अच्छा, आप बताएं कि आप डेली से यहाँ निकलते हैं? बच्चों को निकलना है, बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, निकलते हैं। तो ये रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये रोड जो सबसे बुरी दशा इसीलिए यहाँ की, क्योंकि यहाँ की राजनीति जो है बहुत ही गंदी। नहीं, राजनीति से अलग अगर सुनो जी जी, यहाँ बच्चों को लेकर अगर थोड़ी भी बरसात हो गई जी जी तो बच्चों को लेके निकलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। हाँ, तो आपके सामने हादसे भी होते होंगे, देखे हैं आपने? हाँ जी, कई बार हुए। तो क्या चीनी मिल की तरफ से इस रोड को थोड़ा मरम्मत के लिए पैसा देना चाहिए था? क्या दिया उसने ने या नहीं दिया, इसकी जानकारी नहीं है। आप जब गुजर रहे हैं यहाँ पर किस तरीके का माहौल है, ये कैसा रोड है? ये बहुत गंदा रोड। हाँ जी, बहुत गंदा रोड है। अच्छा, क्या नाम, शुभ नाम क्या आपका? राहुल गंगवा। हाँ जी, राहुल गंगवा। अच्छा, तो क्या आप डेली यहाँ से गुजरते हैं या कभी कभी गुजरते हैं यहाँ से? डेली। असल जब आप यहाँ से कांवर लेके गए, यहाँ से गोला की तरफ, तो ये जो चीनी मिल के जो रोड है, जो स्टेट हाईवे, यहाँ पर आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जा सकते हैं? यहाँ सर हमारे जो पैदल जाते हैं जी जी जी, उन लोगों के लिए बहुत भारी दिक्कत होती है, क्योंकि उन लोगों के पैरों में पाइपलाइन होती हैं, वो सन जाती हैं, तो उन्हें चलने में बड़ी दिक्कत होती है। और हमारा जो वाहन आता है उसको ले जाने में हमारा जो सामान लगा हुआ है वो इधर उधर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर यह स्थिति है कि यहाँ पर जब भी कोई सवारी निकलती है तो उन्हें बेशुमार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं संदीप शर्मा, ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज चैनल, छायापुर मकसूदापुर में जो चीनी मिल है
उसके सामने की रोड की क्या हकीकत है ये हम आज जानते हैं ये गांव वालों से। ये गांव वाले इसीलिए खड़े हैं, इनका आरोप है कि जब से मकसूदापुर की चीनी मिल लगी है तब से यहाँ पर बीमारियाँ की तादाद बढ़ती ही जा रही है और रोड की हालत देखते तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कब यहाँ पर हादसा हो जाए। आइए पूछते हैं, ये ग्रामीण है हमारे सामने कुछ खड़े, इनसे पूछते हैं जानकारी लेते हैं कि क्या भाई साहब ये रोड कब से इस तरीके का खराब है जी? जब से भाई साहब चीनी मिल बनी है तभी से ये रोड पोजीशन बहुत खराब है। यहाँ से ओवरलोड ट्रक वगैरह निकलते होंगे? ओवरलोड क्या निकलते, ट्रक तो निकलते लेकिन ये पलट जाते हैं, यहाँ पे ट्रालियाँ पलट जाती है, गन्ने का सीजन चलता है, फैक्ट्री चलती है, ट्रालियाँ बहुत पलटती हैं तो इसमें खतरा भी होता होगा, खतरा बहुत होता है, कई आदमियों को चोट लगती है, यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। आप रोजाना यही रहते हैं ना पास में? हाँ, हम यहीं पे मकसूदापुर गाँव में रहते हैं। अच्छा, एक बार यहाँ गौरतलब है कि आज तक इस तरफ ना तो किसी नेता ने ध्यान दिया, ना ही नंबर 1 का दावा करने वाले किसी मीडिया धड़े ने।